हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि लिस्ट के अंदर हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कैसे गेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, ए इक्वल टू एक लिस्ट है जिसके अंदर मैं रेंडम एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे 12, 65, 56, 3, 78, 98, 1 एंड 50 सिक्स दो बार आ गया, इसे मैं सेवन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट है ए जिसके अंदर हमने कुछ रेंडम वैल्यूज ले ली है। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम पाइथन के अंदर हमें पहले से एक इनबिल्ट फंक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है मेन ऑफ ए कर देंगे हम, तो देखिए हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जो वन है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस फंक्शन के पीछे जो लॉजिक है वो समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें खुद से डेवलप करना पड़ेगा, इस लॉजिक को खुद से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले एक और वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ए के जीरोथ एलिमेंट को स्टोर करेंगे। लाइक ये जो ए जीरो है इसकी वैल्यू क्या है, 12 है। ओके, इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, तो फॉर आई इन रेंज। अब देखिए, हमने जीरोथ एलिमेंट तो ले लिया ए का, तो वो तो आ चुका है बी में। अब तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे से मतलब वन से चालू करेंगे रेंज को, वन से लेके तो लेंथ ऑफ ए, मतलब कि लेंथ की पूरी लंबाई तक। ठीक है, तो इसके अंदर अब मेन लॉजिक चालू होता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे कंडीशन कि इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई। ओके, सो यहाँ पर जो ए आई है एक्चुअल में है इंडेक्स है जो वन से लेकर टू द लेंथ ऑफ ए तक चलेगा, और हर इटरेशन में ए की वैल्यू यहाँ पर बदलती जाएगी, हर इटरेशन में ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लाइक पहली इटरेशन में होगी 56, फिर 3, फिर 78, फिर 98, 1, फिर 57। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बी के अंदर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डाल देंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, आप बस देखते रहिए, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। पहले हम इसको थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं, लाइक हम देख लेते हैं पहले हमारा फंक्शन, मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही से काम कर रहा है भी या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है वन, तो इसे रन करते और देखते वो वन आता है कि भी नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि वन आ चुका है। अब हम वैल्यू बदल देते हैं, अब मैंने वैल्यू बदल दी, मैंने एक वन को हटा दिया, अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। तो चलिए रन करके देखते हैं कि हमें इस वक्त 3 मिलता है या नहीं, तो हमें मिल चुका है 3। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये असल में काम कैसे कर रहा है, तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, ये लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती थी, ये ज़रूरी नहीं कि ये ऐसी सेम हो या इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता था, बस इंटीजर होना चाहिए वो। ठीक है, तो ए का जो पहला इंडेक्स है, मतलब ए के जो पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हमने ले लिया बी में, क्योंकि हम उस पहले इंडेक्स के साथ ही कंपेयर करना चालू करेंगे बाकी वैल्यूज़ को। ठीक है ना, तो हमने कर लिया बी के अंदर उसको। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स पे जाना है, हर एक वैल्यू के साथ उसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, पहला तो ले लिया था इसलिए हमने उसके अगले वाले से चलाया, लाइक 0 के बाद 1, तो 1 से लेकर टू द लेंथ ऑफ ए जो कि होगी उसकी पूरी लंबाई। लाइक इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी टोटल लेंथ है 6, तो हमने इसको 1 से लेकर 6 तक चलाया। और आपको तो पता ही होगा कि जो लास्ट हम वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट देते हैं उससे हमेशा एक कम तक चलता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर 6 आएगा तो वो 1 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या आया, और इंडेक्सिंग भी हमेशा 0 से लेकर 0 से चालू होती है। ठीक है ना, तो बी में बी में क्या है, अभी इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए बी के अंदर है 12। ठीक है, और ए आई मतलब वन आया, तो ए के वन वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 56, तो यहाँ पर आया 56। क्या 12 56 से बड़ा या उसके इक्वल है,
नहीं वो तो उसके बड़ा है, उससे इक्वल टू है नहीं 12, तो वो याली सेटिस्फाई नहीं हुई याली कंडीशन, और वो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर 1 के बाद 2 आया, मतलब ए के इंडेक्स में 2 आया, तो वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब 12 तो बी तो 12 ही है अभी भी, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 3, तो बी क्या 3 से बड़ा या उसके इक्वल है? नहीं, मतलब बड़ा तो है वो 12, मतलब 3 से ना, तो क्या होगा, याली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसके अंदर जाएगा। और इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए ये ए आई की वैल्यू अभी क्या है 3 है, तो हम बी के अंदर 3 डाल देंगे, मतलब हमने 12 को रिप्लेस कर दिया 3 से। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, अब बी के अंदर 3 है, ठीक है ना, अब 3, अब ये आगे बढ़ेगा, अब ये 78 आएगा ए आई की जगह पे, मतलब इंडेक्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर 3, क्या 3 78 से बड़ा है या उसके इक्वल है? नहीं है, नहीं है वो। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और स्किप हो गई। फिर 98 आया, क्या 3 98 से बड़ा है या उसके इक्वल है? नहीं है, तो ये वापस ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई और वो स्किप हो गई। अब आगे और आया, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आया, ठीक है, ये ए आई की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है हर लूप के साथ, तो यहाँ पर एलिमेंट की एलिमेंट भी बढ़ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 57 आया, अब पर बी तो अभी भी न्यूएस्ट वैल्यू जो है बी की, वो अभी भी 3 ही है। ठीक है, तो क्या 3 57 से बड़ा है या उसके इक्वल है क्या? देखिए, आप यहाँ पर कंडीशन देखिए, वही कह रहा हूँ मैं कि ये 3 या तो इससे बड़ा होना चाहिए या तो इसके इक्वल होना चाहिए, तो क्या 57 से बड़ा या इसके इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये फिर से सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये स्किप हो गया। अब तो लूप भी खत्म हो चुका है, तो ये अब आगे बढ़ जाएगा, ये हमारा बैटरी कम हुई, तो ये आगे बढ़ जाएगा हमारा कोड, और जाके उस पर्टिकुलर बी की सबसे न्यूएस्ट वैल्यू को, जो कि सबसे लोएस्ट वैल्यू है इस लिस्ट की, उसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, हम बदल भी सकते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी डाल सकते, लाइक 123 डाल दिया, 0 डाल दिया, फिर अगर मैं डाल देता हूँ, चलिए माइनस डाल के देखते, कुछ माइनस में वैल्यू डाल के देखते, तो हमें मिलता है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर हमें ऐसा है कि हमें मिलना चाहिए -1। ठीक है, तो हम रन करते हैं, देखते हैं -1 मिलता है कि नहीं। तो देखिए, हमें माइनस में भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसी काम को हम एक दूसरे फंक्शन की मदद से, लाइक जो इनबिल्ट फंक्शन है, जो कि है मिन ऑफ ए, मिन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे हम हमारी लिस्ट को, उसे प्रिंट कर देंगे, तो देखिए हमें फिर भी वो वैल्यू मिल जाएगी। ये जो -1 जो पहला वाला है वो इनबिल्ट फंक्शन की मदद से मिला है, और जो सेकेंड वाला है वो जो हमने लॉजिक लगाया, जो हमारी हमने जो बनाया उसकी वजह से मिला है। ठीक है, तो बस यही लॉजिक था स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के, मीन फाइंड करने के लिए किसी भी लिस्ट के अंदर। अब आपको मैक्स फाइंड करना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है किसी लिस्ट के अंदर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप स्मॉलर देन इक्वल टू लगा दीजिए, बस बस, और कुछ भी नहीं करना। हमें यहाँ पर स्मॉलर देन इक्वल टू लगाना है, और यहाँ पर मिन है तो मैं मिन की जगह मैक्स कर देता हूँ, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसे हम मैक्स कहते हैं, ये पाइथन के अंदर है। ठीक है ना, ये पाइथन के अंदर में इनबिल्ट ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है जो हमने अभी बदला है, जिसको हमने ग्रेटर देन इक्वल से हमने स्मॉलर देन इक्वल में बदला है। ठीक है, इसे रन करते हैं, तो देखिए 123 जो ये इनबिल्ट फंक्शन से मिला है, और ये जो हमने निकाला है जो हमारे लॉजिक से मिला है। ठीक है, ये देखिए इसमें 123 सबसे बड़ी वैल्यू है इस लिस्ट की। तो मैंने जैसे आपको मिनिमम वैल्यू समझाया है, वैसे ही आप इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कैसे हर एक इटरेशन में क्या हो रहा है। आप इसको ड्राई रन कीजिए, अपने कॉपी पेन में रन कीजिए, देखिए आप कैसे चल रहा है, ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।